नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को दी जा सकती है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी जोरों पर आगे चल रहा है। इन दो बड़े नेताओं का जो नाम है वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है दिल्ली में। तो शीला दीक्षित के निधन के बाद से जो अध्यक्ष पद है वो खाली पड़ा था और अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें चल रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी काफी आगे चल रहा है। तो दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होने और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी खोज जो है वो तेज कर दिया और अब इस पद के लिए दो नेताओं के, जो दो बड़े नेता हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को ये नई जिम्मेदारी दी जा सकती है तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर भी अटकलें तेज हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन के बाद से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद को चुनाव से पहले भरना जरूरी है और ऐसे में जो नाम सियासी गलियारों में सुने जा रहे हैं उनमें पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, तो वहीं पूर्व सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सबसे आगे है। तो सिद्धू को जल्द ही कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और ये जो अटकलें हैं वो तेज हो रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का जो नाम है वो भी इस पे आगे चल रहा है। हालांकि अभी किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन सियासी जो दो बड़े नेता हैं इनके नाम आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि शीला दीक्षित के निधन के बाद से ही दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो खाली पड़ा था और ऐसे में बेहद नजदीक है दिल्ली में चुनाव और उसी को देखते हुए जो खोज है नेताओं की वो यहाँ पर जारी है और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी इसमें आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी इस अध्यक्ष पद के लिए काफी आगे चल रहा है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। ऐसे में देखना होगा इन दोनों बड़े नेताओं पर किसके नाम पर भरोसा जो है वो कांग्रेस की तरफ से जताया जाता है और शीला दीक्षित के बाद इस पद की जिम्मेदारी किसको मिलती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होने और ऐसे में पार्टी की तरफ से लगातार जोर अजमाइश इस पद को भरने की लगी हुई है और ऐसे में दो नाम जो है वो नेताओं के सामने आ रहे हैं। जहां पर पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सामने आ रहा है तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी इसमें आगे चल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा इन दोनों नामों पर किस पर भरोसा पार्टी की तरफ से जताया जाता है। पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए R9 TV।